नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। उसमें लक्षण क्या होते हैं, क्या कारण है अस्थमा के अटैक के आने के, और उसकी होम्योपैथिक दवाइयाँ। अस्थमा, दमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपके एयरवेज नैरो और सूज जाते हैं और अतिरिक्त बलगम उत्पन्न हो सकता है। सांस छोड़ते समय सीटी जैसी आवाज, घड़घड़ाहट और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। आजकल एयर पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि रोगी को दमा के अटैक्स ज्यादा आ सकते हैं। अस्थमा के लक्षण के बारे में अब हम बात करते हैं, और इसके लक्षण कुछ इस प्रकार से हैं। सांस लेने में कठिनाई, सीने में जकड़न या दर्द, सांस छोड़ते समय घड़घड़ाहट होना, जो बच्चों में अस्थमा का एक सामान्य लक्षण है, सांस लेने में तकलीफ, खांसी या घड़घड़ाहट के कारण सोने में परेशानी, खांसी या गड़गड़ाहट के दौरे जो सर्दी या फ्लू जैसे रेस्पिरेटरी वायरस के कारण हो जाते हैं। अब बात करते हैं अस्थमा का कारण क्या होता है जिससे अस्थमा के अटैक आ जाते हैं। जेनेटिक कारण भी इसमें देखने को मिलता है। अगर आपके माँ बाप में या उनके माँ बाप में अस्थमा रहा हो तो बच्चे को भी वो बीमारी जीन्स द्वारा आ जाती है। किसी किसी रोगी में एक्सरसाइज करने से भी अस्थमा का अटैक आ सकता है। जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज कर लें, तब जब हवा में ठंडक और शुष्क हो, तब अटैक्स आ जाते हैं। अगला है रासायनिक धुएं, गैसों या धूल जैसी जगह पे काम करने से भी अस्थमा की प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। अगला है एलर्जी से भी अस्थमा उत्पन्न हो सकता है, जैसे कि पॉलन एलर्जी, बीजाणु, कॉकरोचेस का वेस्ट प्रोडक्ट के कारण, जहाँ कॉकरोचेस गंदगी बहुत ज्यादा हो उससे भी कई बार रोगी को अस्थमा के अटैक्स आ जाते हैं। और पालतू जानवरों द्वारा छोड़ी गई सूखी लार, पालतू जानवरों की रूसी से भी उत्पन्न हो सकता है। अगला है वायु प्रदूषण, जो कि आजकल बहुत ज्यादा हो गया है। इससे भी अस्थमा अटैक्स ज्यादा आने लगते हैं और सांस लेने में परेशानी होती है रोगी को। स्मोकिंग भी एक कारण है। जो लोग सिगरेट का सेवन करते हैं या रोगी के पास कोई सिगरेट पिए ज्यादा टाइम तक, तो अस्थमा का अटैक्स आ सकते हैं। अब बात करते हैं हम होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो कि बीमारी को जड़ से खत्म करती हैं। होम्योपैथिक दवाई तभी अच्छा काम करती है जब उसके लक्षण ठीक बीमारी के लक्षण से मिले। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी है तो आप हमसे बताए गए नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। तो कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ जो कि लक्षण अनुसार कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहली है एंटीमोनियम टायट। इसके लक्षण हैं बलगम की तेज गड़गड़ाहट, लेकिन बहुत कम बलगम निकलता है, तेज छोटी कठिन सांस लेना, राहत के लिए रोगी दाहिने करवट बैठना या लेटने से रोगी को आराम मिलता है, राइट साइड की तरफ लेटने से रोगी को आराम मिले, तब ये दवाई सोचनी चाहिए, एंटीमोनियम टार्ट 30 सुबह दोपहर शाम। अगली दवाई है आर्सेनिक एल्बम 30। आधी रात में अस्थमा का बढ़ना, रोगी को बिस्तर में लेट नहीं पाता है क्योंकि उसको सांस लेने में काफी परेशानी होती है। आधी रात को इसकी इस रोगी की दिक्कत बढ़ती है, तब आर्सेनिक एल्बम सोचना चाहिए। छाती में जलन भी होता है। बलगम जो खांसी से निकलता है वो बहुत कम और झाग जैसा होता है। घड़घड़ाहट वाली सांस रोगी में देखने को मिले, बेचैनी मिले, तब आर्सेनिक का एल्बम 30 सुबह दोपहर शाम रात रोगी को दिन में 4-5 बार दें। अगली दवाई है ब्लाटा ओरिएंटेलिस का मदर टिंचर। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है अस्थमा दमा के लिए। एक्यूट केस में रोगी को टिंचर में रिपीट करें ये दवाई हर 2 घंटों में, और अगर केस काफी पुराना है तब हाई पावर में ये दवाई दें, 200 या 1000 से ऊपर पोटेंसी में दवाई को दें। अगली दवाई है एस्पिडोस्पर्मा का मदर टिंचर। ये एक टॉनिक कहा जाता है लंग्स फेफड़ों के लिए। ये दवाई ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ाती है, और ये दवाई खास तौर पे तब और यूज करना चाहिए जब हार्ट प्रॉब्लम की वजह से रोगी को अस्थमा या दमा का अटैक आए। एस्पिडोस्पर्मा क्यूब बहुत अच्छा वर्क करती है कार्डियक अस्थमा में भी। अगली दवाई है कार्बोवेज। बुजुर्ग लोगों में अगर दमा अटैक आए, कफ बहुत जोर से आए और खांसते खांसते रोगी को उल्टी भी हो जाए, तब ये दवाई सोचे।
और अगर रोगी की गैस भी ऊपर चढ़े और दमा अटैक आए तब ये दवाई सोचें कार्बोवेज 30 या 200 में रोगी को दे सकते हैं सुबह दोपहर शाम। अगली दवाई है इपिकाकुआना 200, ये भी बहुत अच्छी दवाई है अस्थमा की। छाती में पूरा जकड़न हो बलगम की वजह से और खांसी करने में बिल्कुल बलगम ना आए, ये दवाई बच्चों में बहुत अच्छा वर्क करती है। जी मिचलाहट भी अगर अस्थमा के रोगी में देखने को मिले तब ये दवाई जरूर उपयोग करें, इपिकाकुआना 200। अगली दवाई है कालिकार। अगर आधी रात के 3 से 5 बजे AM के टाइम ही अक्सर रोगी को अटैक आए तब ये दवाई सोचना चाहिए। अगली दवाई है लेकेसिस। सोने के उठने के बाद अटैक का आ जाना, जब भी रोगी सोए और जब भी उठे तो अटैक आ जाए तो ये दवाई सोचनी चाहिए, लेकेसिस 1 ml, लेकिन इसको रिपीट नहीं करना है, 1000 पावर की सिर्फ एक डोज देना है। अगली दवाई है पोथोस 30। अस्थमा का अटैक का आना जब रोगी धूल के प्रभाव में ज्यादा रहा हो तब ये दवाई सोचनी चाहिए सुबह दोपहर शाम। अगर उसको धूल धक्कर से एलर्जी हो, छींके खांसी आना फिर अटैक शुरू हो जाना, तब पोथोस 30 आप सोच सकते हैं। अगली दवाई है सिनेगा का मदर टिंचर। अगर रोगी को अस्थमा अटैक में बैठने से आराम मिले और लेट ना पाए तब ये दवाई सोचनी चाहिए। हर घंटे 1 चम्मच पानी में इसकी 10 ड्रॉप्स दें, आराम मिलता है। और भी बहुत सारी दवाइयां हैं जो अस्थमा को जड़ से ठीक करती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी हमसे कंसल्ट करना हो तो आप बताए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।